दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के लिए वार्ड कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर दिल्ली के मेयर और कमिश्नर के बीच घमासान छिड़ गई है। एक तरफ जहां मंगलवार को दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने 4 सितंबर को होने वाले वार्ड कमेटी के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से मना कर दिया था और चुनाव को असंवैधानिक बताया था। मेयर ने पार्षदों को नामांकन दाखिल करने के लिए कम समय मिलने का हवाला दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने एलजी की शक्तियां बढ़ाने और किसी भी बोर्ड प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार देने के बाद एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि स्थायी समिति के लिए वार्ड कमेटी के सदस्यों का चुनाव तय समय पर ही होगा। अब इस पर एमसीडी में आज जमकर हंगामा हो सकता है। ये साफ हो गया है कि इस चुनाव को मेयर ने असंवैधानिक बताया है और पार्षदों को नामांकन के लिए कम से कम एक हफ्ता देने की बात कहकर चुनाव टालने के लिए कहा था, जो कि आज ही होगा। और ऐसे में बुधवार को एमसीडी में हंगामा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के अधिकार बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अब दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से कल ये गैजेट जारी कर दिया गया था और इसके मुताबिक अब दिल्ली एलजी के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग के साथ साथ किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। दिल्ली नगर निगम की वार्ड कमेटी के सदस्य का चुनाव टालते हुए उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि न केवल एक दिन के नोटिस के कारण नामांकन दाखिल करने में कोई पार्षद असमर्थ है, नामांकन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी है। हालांकि इसके बाद एमसीडी कमिश्नर को आज यानी कि बुधवार को ही चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया है और कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सिर्फ एक दिन के नोटिस की वजह से नामांकन दाखिल करने में असमर्थ पार्षदों से उनको कई ज्ञापन मिले। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए नामांकन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे निर्देश के बाद नगर निगम चुनाव को चुनाव की अधिसूचना सचिव को चुनाव की अधिसूचना देने में 5 दिन लग गए। ऐसे में नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय कैसे दिया जा सकता है। एमसीडी के इतिहास में नामांकन दाखिल करने के लिए पहले कभी इतना कम समय नहीं दिया गया। मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने आयुक्त को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम एक हफ्ते का नोटिस देकर चुनाव प्रक्रिया को फिर से कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को 12 वार्ड कमेटियों का चुनाव होना था। इसके लिए निगम प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब सीधे तौर पर मेयर कि जो फैसला है कि अभी चुनाव नहीं कराया जाए, पीठासीन अधिकारी उन्होंने नियुक्त नहीं किया। दूसरी तरफ एलजी को जो शक्ति दे दी गई है कि वो ऐसा करा सकते हैं, देखना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पर किस तरीके से सियासत करती है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस पर विरोध करेगी और बीजेपी अपना पक्ष रखेगी। देखना है आज किस तरीके की सियासत दिल्ली में देखने को मिलती है वार्ड सदस्यों के चुनाव को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।